खबर बांदा जनपद से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देशन पर आगामी नगर निकाय चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्लीन के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य बबेरू पुलिस मुखबिर की सूचना पर बीती रात एक अभियुक्त को अवैध शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया है और अभियुक्त के पास से अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने का उपकरण बरामद किया गया। बता दें कि पूरा मामला बबेरू कस्बे के ओगासी रोड का है, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह के द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस से लगातार पेट्रोलिंग कराई जा रही है। उसी दौरान बीती रात मुखबिर की सूचना मिली कि कस्बे के ओगासी रोड पर अपने रिश्तेदार के मकान पर एक व्यक्ति अवैध कच्ची शराब बना रहा है, जिसके बाद पुलिस तत्परता दिखाते हुए उस जगह पर पहुंचकर छापेमारी की, जहां पर अभियुक्त अवधेश निषाद पुत्र राम मनोहर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी बैरफ थाना मरका को अवैध कच्ची महुआ की शराब बनाते हुए रिश्तेदार राजेंद्र निषाद के मकान से गिरफ्तार कर लिया है और करीब एक कुंटल लहन चूल्हा भट्टी आदि सामग्री पुलिस ने नष्ट कर दिया तथा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने का उपकरण बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रोशन लाल सरोज, कांस्टेबल मनोज कुमार, महिला कांस्टेबल रेणु दीप्ति मौजूद रही।